Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Mr. Dheeraj, Mr. Aditya, Mr. PV Murthy, Mr. Vikrant, can you hear me? Please reply. Awaaz aa rahi hai? Are you able to see my screen? Okay, so I hope aapko Nifty strategy mein profit aaya hoga, jo kal maine trade liya tha. You can see here. Ye maine abhi square off kiya hai. Mr. Bilal. आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, कितना प्रॉफिट है? 7500 दिख रहा है. मैंने रिफ्रेश भी किया स्क्रीन, 7500 और यहां पर प्रॉफिट है 6600. करेक्ट दिख रहा होगा आपको क्लियरली. और बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी ओपन है, उसमें 22,000 MTM आ रहा होगा, चेक कर लो, उससे ज्यादा ही आ रहा होगा. इनफैक्ट चेक कर लो MTM, बैंक निफ्टी का MTM स्ट्रेटजी इंक्रीज हो रहा होगा, चेक कर लो. 23 के आसपास होगा MTM अभी. ठीक है, 24-25 के आसपास MTM आता है, ट्राई टू एग्जिट. आ सीधा सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल करो. अगर अलाइज ब्लू में ट्रेड कर रहे हो ना आप, तो सिलेक्ट ऑल, ऐसा सिलेक्ट ऑल करना है. ये यहाँ पे क्लिक करो, सारे ट्रेड सिलेक्ट होंगे, ओपन पोजीशन, एंड यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ ऑल बटन, सीधा स्क्वायर ऑफ कर दो. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्क्वायर ऑफ करना है, मैं आपको बताता हूँ. वेट वन मिनट, सॉरी. 17,400 और 17,400. तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्क्वायर ऑफ करना है. ठीक है, जैसे मैंने एक लॉट शॉर्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक लॉट शॉर्ट किया. तो आपको दो ओपन पोजीशन दिख रहा है, यस और नो? दो ओपन पोजीशन दिखा, इसको सिलेक्ट ऑल जैसे करोगे, यहां पर आपको स्क्वायर ऑफ सिलेक्टेड आ रहा है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है क्या स्क्वायर ऑफ सिलेक्टेड? ये स्क्रीन दिखा, स्क्वायर ऑफ सिलेक्टेड, इस पे क्लिक करना है. जैसे आप कंफर्म प्रेस करोगे, दोनों ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा. जैसे आप कंफर्म प्रेस करोगे, दोनों ट्रेड स्क्वायर ऑफ. ये देखो, दोनों ट्रेड बाजार भाव स्क्वायर ऑफ हो गया, कुछ नहीं हुआ, दोनों ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया, दिख रहा है? So, ऐसे आपको स्क्वायर ऑफ करना है. सो सिलेक्ट करके रखो सारे ट्रेड, 24,000-25,000 के आसपास एमटीएम दिख रहा है, स्क्वायर ऑफ स्ट्रेट अवे, करेक्ट? अच्छा, आज निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, लिख लो, नोट डाउन कर लो. वापस बोल रहा हूं, निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है. कल मैंने जेके लक्ष्मी सीमेंट दिया था, कितने लोगों को याद है जेके लक्ष्मी सीमेंट? हीरो मोटो का अभी भी ट्रेड ओपन है मेरा, 2300 के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो उसमें प्रॉफिट ही आएगा. कर लो मिस्टर आंसर, करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्वायर ऑफ करना है कर लो. जेके लक्ष्मी सीमेंट 456. अच्छा, ये आवाज अभी आ रहा है, आवाज लेट आ रहा है. ट्रेड हो चुका है, ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो चुका है, कुछ पोजीशन नहीं है. कुछ पोजीशन नहीं है, ट्रेड हो चुका है. आई थिंक मेरे हिसाब से 24,000 तक आ जाएगा. मेरा 23,000 MTM दिख रहा है. आई एम वेटिंग फॉर जस्ट 1,000 मोर एंड देन विल स्क्वायर ऑफ. थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा आई थिंक, तो आ जाएगा. 458 जेके लक्ष्मी सीमेंट का, जेके लक्ष्मी सीमेंट चल रहा है. बीटीएसटी ट्रेड दिया था जेके लक्ष्मी सीमेंट, यू कैन सी हियर 458.
MTM खाली मुझे बोलते जाओ 24,000 25,000 के आसपास दिख रहा है, मेरा मैसेज का वेट मत करना, स्ट्रेट अवे स्क्वायर ऑफ, सिलेक्ट ऑल स्क्वायर ऑफ, सिलेक्ट ऑल करके स्क्वायर ऑफ कर देना है। बैंक निफ्टी मैंने आपको 36,200 का टारगेट दिया था, करेक्ट मिस्टर दिवेनिवार? इसमें स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आ रहा होगा, चेक कर लो जरा, स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आ रहा होगा, चेक कर लो जरा। सर बिलाल आपने क्या ट्रेड दिया, एक मिनट मैं, सत्रह चार 17,400 का सेल किया है ना मिस्टर बिलाल, और 17,300 का सेल है, करेक्ट? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करो वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में प्रॉफिट बुक कर लो, ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। सुवेन और पीआई ओपन है, हीरो मोटो ओपन है मेरा, ठीक है। इसमें कॉल शॉर्ट किया हुआ है मैंने 2,300 वाला, और इंडियन होटल चल रहा है तो इंडियन होटल भी चलेगा, करेक्ट? सिर्फ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना, 24,000 25,000 एमटीएम आएगा तब स्क्वायर ऑफ कर देना है, अभी कुछ 23,000 के आसपास आ रहा है। जस्ट 10 मिनट और, 10-15 मिनट और, आई थिंक 10 बजे तक आ जाएगा मेरे हिसाब से प्रॉफिट। 10-15 मिनट और वेट करो मिस्टर आंसर, उसके बाद अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 के आसपास, तब एग्जिट कर देंगे। आज और कल ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, आज और कल ज्यादा ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, तो आज और ट्रेड, आज और कल ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है? मिस्टर पीवी मूर्ति व्हाट इज द एमटीएम? 36,200 आ चुका है अभी, हाँ कल करेंगे, कल कल या फिर थर्सडे को कर, हाँ कल करेंगे, कल ही करेंगे। स्वेटर निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रिकी, ठीक है। कॉल्स देखते हैं, वेट 1 मिनट, कॉल्स पहले मार्केट वॉच में ऐड करेंगे हम लोग, बट मैं सोच रहा हूँ पहले बैंक निफ्टी स्क्वायर अप हो जाए। 36,200 का अपना टारगेट था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो 36,200 के आसपास ट्राई करना है एग्जिट करने का। अभी एमटीएम कितना है, व्हाट इज द एमटीएम? ठीक है, एक काम करो, स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दो, 23,000 आ रहा है, स्क्वायर ऑफ कर दो, कर दो स्क्वायर ऑफ, कर दो स्क्वायर ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। स्क्वायर ऑफ बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी मैसेज दे दिया मैंने, स्क्वायर ऑफ कर दो।
कितना ऑलमोस्ट 4% बुक किया ना मिस्टर आंसर, 4% ऑलमोस्ट सही है। और ये 4% बहुत मेहनत लगा ना बुक करने में मिस्टर आंसर, आप तो पूरा दिन क्रिकेट भी खेले उसके लिए, 4% के लिए, 4% के लिए क्रिकेट भी खेलना पड़ा आपको तो पूरा दिन। ठीक है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ है, मॉर्निंग कॉल्स पे आप ध्यान देंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। थोड़ा सा आज निफ्टी वीक लग रहा है, निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है, निफ्टी के लेवल्स पहले नोट डाउन कर लेते हैं। निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 17,400-17,500 रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको कल बताया था वही सेम एज इट इज रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर, सपोर्ट आया है क्या ऊपर, एक मिनट रुको, आया है सपोर्ट थोड़ा ऊपर आया है। ठीक है, सपोर्ट थोड़ा ऊपर आ चुका है, 17,200-17,300 ये सपोर्ट आया है, तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 36,300, 36,500 यही रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा ऊपर आया क्या, चेक कर लेते हैं जरा। नहीं, बैंक निफ्टी में ज्यादा सपोर्ट ऊपर नहीं आया है, तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कल का जो दिया था वही हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लेवल्स में चेंजेस नहीं है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई। इंट्राडे लेवल्स क्लियर है, करेक्ट। मॉर्निंग कॉल्स के लिए हम लोग मार्केट वॉच में ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट, वेट 1 मिनट, मॉर्निंग कॉल्स के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट। निफ्टी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, वापस मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, ये जरूर नोट डाउन कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वेट 1 मिनट, मॉर्निंग कॉल्स के लिए हम लोग स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं। मुझे रिमूव करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, वेट 1 मिनट, क्या बात है, टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर, TV18, टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर में क्या हुआ है, टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर, ठीक है, और वेट 1 मिनट, और शॉर्ट के लिए भी स्टॉक थोड़ा स्कैन कर लेते हैं, TV18 भी आया है, TV18 भी हम लोग स्कैन करेंगे, जस्ट वेट 1 मिनट। वेदांता, मिस्टर मिस्टर विक्की गाला, आपने भी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी ट्रेड किया था ना, यस और नो, आई होप यू ट्रेडेड एंड मेड प्रॉफिट। मिस्टर विकी गाला, आपने भी ट्रेड किया था ना, कितना प्रॉफिट हुआ उसमें, हाउ मच प्रॉफिट, सेम 21K। ठीक है, थोड़ा लेट किया आई थिंक आपने, 21 क्या है मतलब, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट, अब पहले मैं मार्केट वॉच में थोड़ा लिस्ट बना लेता हूँ कौन से स्टॉक पे आज ध्यान देना है। TV18 ब्रॉडकास्ट, टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, ये स्टॉक्स रेडार पर है बाइंग में, और सेल ऑफ में कौन सा रेडार पर है, मेटल काउंटर आज शॉर्ट है, राइट मिस्टर विकी गाला, तो वेदांता भी शॉर्ट है, ONGC भी शॉर्ट है, हिंडालको भी शॉर्ट है, टाटा स्टील भी शॉर्ट है, तो हिंडालको, टाटा स्टील, ONGC, ये सब रेडार पर लगा देते हैं, वेट 1 मिनट, हिंडालको, टाटा स्टील एंड ONGC, ये स्टॉक्स रेडार पर है, तो इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे, ट्रैक करेंगे, बट ज्यादा पोजिशंस नहीं लेना है आज और कल, 2 दिन हमें थोड़ा सा लाइट पोजिशंस रखना है, ज्यादा पोजिशंस नहीं लेना है। वैसे भी हमारा मॉर्निंग का काम हो चुका है, 20,000, 27,000 इनफैक्ट बुक हो चुका है, निफ्टी के स्ट्रैटेजी में भी आया है, बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी में भी आया है, करेक्ट, तो मॉर्निंग का काम हो चुका है, ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, एकदम कम पोजिशंस लेकर चलेंगे। ठीक है, मेटल स्टॉक्स देखेंगे, मेटल स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं, वेट 1 मिनट,
मेटल्स में ब्रेकडाउन है, टाटा स्टील में ब्रेकडाउन है, आंसर इज यस, टाटा स्टील में ब्रेकडाउन है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें 1300 ही है तो थोड़ा वेट करेंगे। मिस्टर आंसर, मैंने आपको बोला भी निफ्टी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आएगा, आपने मुझे मॉर्निंग में मैसेज किया प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला भी स्क्रीन पे प्रॉफिट ही दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड ही वैसा लिया था। ठीक है, टाटा स्टील के लिए थोड़ा वेट करना है, ओएनजीसी के लिए थोड़ा वेट करना है। ओएनजीसी में यहाँ पर ट्रेंडिंग तो ब्रेक हुआ है, ये देखो परफेक्ट प्राइस एक्शन है ओएनजीसी में, ये देखो यहाँ पे परफेक्ट ट्रेंडिंग ब्रेक हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने आएगा, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आएगा, तब शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। वेदांता एक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है, वेदांता भी, लेकिन ये जो थोड़ा सा लेवल ट्रिकी है, 400 का जो लेवल है ना वो थोड़ा ट्रिकी लेवल है, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट 1 मिनट, टाइटन देखते हैं। चलो आइटम देखेंगे। मिस्टर दिव्य निवार, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने अभी 23,000 बुक किया है प्रॉफिट बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में, 23,000 प्रॉफिट बुक किया है। बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव चार्ट है, तो बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव चार्ट, एक्सट्रीमली बेरिश चार्ट है टाइटन का, तो बट ओवरसोल्ड है मिस्टर दिव्य निवार, ये ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। नहीं, ये एचडब्ल्यू कैंडल नहीं है, एचडब्ल्यू कैंडल इतना छोटा ऐसा नहीं होता है एचडब्ल्यू कैंडल। मिस्टर दिव्य निवार, ये है परफेक्ट, ये नहीं है, ये तो डोजी कैंडल है, ये एचडब्ल्यू कैंडल नहीं है, डोजी कैंडल है। जबरदस्ती कैंडल मत पकड़ो, ठीक है, अगर कैंडल है तो ठीक है, जबरदस्ती इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी एक्चुअली। कई बार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार बनता नहीं है, इवनिंग स्टार बनता नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती हम लोग उसको दो रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गया तो हम लोग जबरदस्ती उसको इवनिंग स्टार अज्यूम करके ट्रेड लेना चाहते हैं। ये ज्यादातर मिस्टर आंसर ऐसा बहुत बार करते हैं क्योंकि उनको हमेशा कोई भी पैटर्न दिखाओ उनको इवनिंग स्टार ही दिखता है, क्योंकि उनका फेवरेट पैटर्न है, तो वो जबरदस्ती पैटर्न आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, वो मिस्टेक नहीं करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ट्रेड तो है लेकिन कन्विक्शन वाले नहीं है। TV18 ब्रॉडकास्ट एक लग रहा है, ये हम लोग ट्रेड लेंगे थोड़ा, बट कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है ज्यादा, ये नहीं है। मिस्टर बिलाल, आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वेट 1 मिनट, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। मिस्टर बिलाल, जस्ट डू दिस चेंजेस आर इमीडिएटली, क्योंकि आपने एक एक लॉटी किया था और आपके पास मार्जिन भी कम है, तो इसीलिए ये ट्रेड करो इमीडिएटली। मिस्टर बिलाल, चेक योर व्हाट्सएप मैसेज और ये ट्रेड करो। थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रेड के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेदांता एक शॉर्ट है और TV18 ब्रॉडकास्ट थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, बट ये भी ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा ना 77 का। या तो हम लोग एक काम करते हैं, आज आज सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, स्टॉक्स में नहीं लेते, व्हाट यू से, क्योंकि आज स्टॉक्स में थोड़ा पैटर्न उतना स्ट्रांग नहीं है। टाटा कॉफी भी देखो आप तो डोजी कैंडल बना रहा है, टाटा कंज्यूमर भी डोजी कैंडल बना रहा है, तो ये सब थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न है, थोड़ा सा मतलब कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है। और मेटल्स जो है वो दो दो तीन तीन टका नीचे है और सब सपोर्ट लेवल के आसपास है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं स्टॉक्स में आज कन्विक्शन कम है, तो आज हम लोग सिर्फ इंडेक्स का ट्रेड लेंगे, ओनली इंडेक्स का ट्रेड लेंगे। ठीक है, हाँ, ONGC भी मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद गिरेगा, तो अभी शॉर्ट नहीं करना है ONGC में, शॉर्ट है लेकिन अभी नहीं करना है। टाइटन मैंने आपको बोला ओवरसोल्ड है, ये देखो लास्ट का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल तो रेड है,
यहाँ पे अगर 8 कैंडल रेड बनने के बाद अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, इट्स इट कैन बी अ ट्रैप, पॉसिबल है कि ट्रैप में आप फंस सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली ट्रेड करेंगे, आज वेट करेंगे उसके बाद ट्रेड लेंगे, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। या बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड लेंगे, बिकॉज हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी स्क्वायर अप हो चुका है, तो उसमें मार्जिन फ्री है अभी, राइट? उसमें मार्जिन फ्री होगा, ठीक है। स्टॉक्स देख लेते हैं थोड़ा सा, स्टॉक्स एक काम करते हैं, एक और बार 10 बजे का कैंडल वेट करते हैं, अगर कोई ट्रेड मिला तो ठीक, अदरवाइज बैंक निफ्टी में कुछ इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग ट्रेड लेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी तो मैंने आपको कल बोला ही था ना, 17,400 17,500 का टारगेट है, यस और नो? 36,200 36,300 का टारगेट मैंने बैंक निफ्टी का बोला था, इसीलिए मैंने आपको 18,000 प्रॉफिट बुक करने नहीं दिया, याद है? बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बोला भी कि दोनों में व्यू बुलिश है, 17,400 17,500 17,400 500 आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं करने दिया, इसलिए मैंने सोचा, और आज निफ्टी वीक है बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, वापस मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है इसलिए निफ्टी जा रहा है, अदरवाइज निफ्टी थोड़ा सा वीक है आज कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के चार्ट से। वेट करते हैं थोड़ा, 10 बजे का कैंडल का वेट करते हैं, लेट मार्केट गिव द ट्रेड, मार्केट अगर ट्रेड देगा तो ज्यादा बेटर है, उसमें क्या कम ये लगेगा, एनालिसिस कम करना पड़ेगा और ट्रेड भी प्रॉपर मिल जाता है। हम लोग अगर जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने जाएंगे तो इट विल नॉट वर्क, तो बेटर है थोड़ा सा वेट करते हैं और मार्केट को ट्रेड देने दो। मार्केट को ट्रेड देने दो, वो ज्यादा बेटर है। निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं लगता, 17,500 के आसपास शिफ्ट, मिस्टर आंसर देख लो अभी, 17,500 के आसपास शिफ्ट हो चुका रहेगा, और ये 36,500 के आसपास कॉल में ओपन ट्रेड शिफ्ट हो चुका है, तो 17,500 और 36,500 ये टारगेट है। और अगर निफ्टी यहां से रिवर्स पॉसिबल है, आज कुछ कल कुछ भी हो सकता है, आज का तो ठीक है लेकिन कल कुछ भी हो सकता है, कल मंथली एक्सपायरी है, कुछ एनीथिंग इज पॉसिबल, 17,200 भी पॉसिबल है, 17,600 भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल है कल, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग लाइट पोर्शंस रखेंगे। ये देखो यहाँ पे ए भी ब्रेकआउट दे चुका है इसमें डेली चार्ट पे, ये रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने, रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने, 5 मिनट और वेट करते हैं, एक बार स्कैनिंग वापस रन कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कोई स्टॉक आया है क्या, वरना 5 मिनट और वेट करके 10 बजे के कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ओएनजीसी सब मेटल काउंटर है, सब मेटल काउंटर शॉर्ट है, वेदांता सेल हिंडालको टाटा स्टील सब मेटल काउंटर शॉर्ट है। ओहो मिस्टर देवे नेवार, व्हेनेवर यू से टारगेट ना मार्केट वही से घूम जाता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करेंगे, उस दिन भी आपने एम पैटर्न बोला आपने बोला एम पैटर्न बनाए शॉर्ट करो, एंड एग्जैक्टली वही से रिवर्स हो गया, और मैंने आपको बोला भी कि एम पैटर्न मत देखो शॉर्ट शॉर्ट मत करना, या फिर शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है मार्केट, अभी व्यू मत लो, कल मंथली एक्सपायरी है सर दिव्य निवार, अभी जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना चार्ट पे, इट हायर चांसेस इट में रिवर्स, हायर चांसेस, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, आई थिंक पेशेंस के हिसाब से ट्रेड लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। दो स्टॉक रेडार पर आए हैं, ऐड करते हैं,
दो स्टॉक रडार पर आए, एक तो एक्सिस बैंक है। कितने लोग को याद है एक्सिस बैंक भी हम लोगों ने ट्रैक किया था, आई थिंक आपको याद होगा 2-3 वेबिनार पहले, ठीक है, एक्सिस बैंक अगर आपको याद है, और पूना वाला फाइनेंस, ये एक स्टॉक आया है पूना वाला फिनकॉप, ये चेक करेंगे। दो स्टॉक रडार पर आए हैं, पूना वाला फिनकॉप और एक्सिस बैंक। पूना वाला फिनकॉप में ओ हो, क्या बात है, थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न है, ये फंसा भी सकता है। ये देखो, ये कौन सा कैंडल बना है, मिस्टर बिलाल, मिस्टर दिवे निवार, कौन सा कैंडल है ये पूना वाला में, विच कैंडल इज दिस, ये है परफेक्ट मिस्टर दिवे निवार, आप जो सुबह बोल रहे थे ना, दिस इज द परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट कैंडल है ये, ठीक है। एक्सिस बैंक चेक करते हैं, एक्सिस बैंक में क्या बन रहा है, एक्सिस बैंक में ब्रेकआउट है, क्या बात है, थोड़ा वेट करो, अभी 10 बजे कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है, ये सब ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, लेकिन ये सब देखो रेजिस्टेंस के आसपास भी है, ऐसा है, तो थोड़ा वेट करेंगे, 2-3 मिनट और वेट करो। ग्रासिम चेक करते हैं, चलो ग्रासिम में क्या हुआ है, ग्रासिम भी वही है मिस्टर विक्की गाला, देखो 10 बजे का कैंडल फॉर्म होने दो, लेट द कैंडल गेट कंप्लीट क्लोज, क्योंकि ये देखो रेजिस्टेंस के आसपास है, लग रहा है ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है 10 बजे का कैंडल जो है ना वो क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, क्या न्यूज आया है मिस्टर आंसर, ठीक है ठीक है, हीरो मोटर अगर आपने किसी ने ट्रेड लिया है तो मुझे बता देना, उसमें थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, अगर 2300 के ऊपर गया तो, 2300 के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ग्रासिम एक ट्रेड है, बट ग्रासिम इट्स नॉट अ फास्ट मूविंग काउंटर है, फास्ट मूविंग काउंटर नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि फास्ट मूविंग होगा एकदम, ग्रासिम थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, स्कैनिंग करेंगे, अगर कोई ट्रेड मिला तो ठीक, अदरवाइज वी विल टेक ओनली इंडेक्स ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड टुडे, आज के मॉर्निंग वेबिनार में सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड लेंगे फिर, ठीक है। सोएन फार्मा भी चल सकता है, सोएन फार्मा पे भी ध्यान देना, और स्टॉक देखते हैं, और कोई स्टॉक रडार पर है क्या, बैंकिंग में कौन सा स्टॉक चल रहा है, बैंकिंग में कौन सा स्टॉक चल रहा है, इंडसइंड बैंक 940 है, एयू बैंक आज नीचे, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा नीचे लग रहा है, राइट, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा नीचे, वाह क्या बात है, क्या बात है, फाइनली एक ट्रेड तो मिला, चलो एक ट्रेड तो मिला, मैसेज कर रहा हूं मैं, वेट 1 मिनट, एक ट्रेड मिला है, मैसेज कर रहा हूं, एक ट्रेड फाइनली मिला है, वो मैसेज कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट। मैसेज किया मैंने, चेक कर लो मैसेज मिला है क्या, मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, मैसेज मिला है, चेक कर लो जरा, एयू बैंक का ट्रेड दिया, शॉर्ट ट्रेड एयू बैंक, ये मैसेज किया मैंने, चेक कर लो,
टाटा कंज्यूमर आज चल रहा है, टाटा कंज्यूमर है, बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, आज इसमें भी ब्रेकआउट्स है। हीरो मोटो और टाटा मोटर थोड़ा सा पे ट्रेड एक कर सकते हैं इसमें, लेकिन ठीक है पे ट्रेड एक बार इग्नोर करते हैं स्टॉक्स में, क्योंकि ग्रासिम में क्लियर ब्रेकआउट लग रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक ही ट्रेड मैंने दिया है अभी, एयू बैंक शॉर्ट दिया है बस।